अब शूट करते हैं, ट्रिगर को देखते हैं, तो ट्रिगर भी वर्क कर रहा है हमारा। अब हम टारगेट बॉक्स को देखते हैं, ये बॉक्स नहीं है, ये टारगेट सर्कल है। अस्सलाम वालेकुम, आज की इस वीडियो में हम लोग एक गन गेम बनाएंगे। इसकी स्टार्टिंग में आपने वीडियो तो देख ली होगी कि गेम कैसी है, और इस वीडियो का मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट वो जिसमें मैंने इस गेम के एसेट्स सारे बनाए हैं, वो फास्ट फॉरवर्ड में मैंने रखा है, उस पर टाइम ज़ाया नहीं किया। वो 1 मिनट या कुछ सेकंड्स का पार्ट होगा, जिसके अंदर मैंने फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो का यूज़ करके ये एसेट्स सारे क्रिएट किए हैं। एंड सेकंड पार्ट के HTML एंड CSS है। सेकंड पार्ट उसमें हम इसके HTML एंड CSS लिखेंगे, इसको स्ट्रक्चर देंगे, एंड लास्ट इज़ जावा स्क्रिप्ट, जिसमें हम जावा स्क्रिप्ट ऐड करेंगे ये ताकि काम करे। पहले मैंने एक वीडियो डाउनलोड की, उसे प्रीमियर प्रो में आके उसे एडिट किया थोड़ा सा। पहले एक अच्छा सा मैंने शॉर्ट सेलेक्ट किया इसके अंदर के कौन सा शॉर्ट सबसे अच्छा है। उसके बाद उसके पीछे ग्रीन स्क्रीन थी, मैंने अल्ट्रा की इफेक्ट लगा के उसे रिमूव करके उसे एक्सपोर्ट कर लिया। अब उसके बाद मैं फ़ोटोशॉप में आ गया हूँ। अब मैं गन को अलग कर रहा हूँ, गन का पहले हेड मैं अलग कर रहा हूँ, जो गन का हेड है, और उसके बाद मैं गन का जो ट्रिगर है उसे अलग कर रहा हूँ, और इसमें कुछ फिनिशिंग कर रहा हूँ। और मैंने बॉडी ट्रिगर को अलग कर लिया। अब मुझे ज़रूरत पड़ी बैरल की, जो बैरल होता है ऊपर। अब मैं बैरल को एडिट कर रहा हूँ ताकि जब हम ट्रिगर को पीछे को खींचें तो हमें गलत इफेक्ट ना आए, कि अनरियलिस्टिक ना लगे, रियलिस्टिक लगे, इसलिए मैंने बैरल ऐड की। तो ये कुछ एसेट्स हैं मेरे पास, तो हमने ये भी फोटोशॉप का यूज़ करके ये एसेट्स बनाए हैं, आप लोगों ने देखी होगी वीडियो। और ये हमारे पास एक वीडियो है, मैंने म्यूट किया हुआ है अपना जो लैपटॉप है, भी इसको मैं वॉल्यूम कर देता हूँ। अब जल्दी से मैं इसकी बॉडी लिखता हूँ। बॉडी में मुझे चाहिए एक गन बॉडी, गन बॉक्स सॉरी, जिसमें हमारी गन होगी। गन बॉक्स में हमें चाहिए एक गन हेड चाहिए हमें। गन हेड को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 4 बार। इसमें हमें चाहिए बैरल, इसमें हमें चाहिए ट्रिगर, और लास्टली हमें चाहिए बॉडी। पहले तो मैं रीसेट कर लेता हूँ CSS को अपनी, margin 0, padding 0, एंड साथ ही मैं बॉडी का जो है ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ। ओवरफ्लो हिडन, इसकी मैं विड्थ सेट कर देता हूँ 100 VH और हाइट 100 VW। बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक किया क्योंकि मेरी वीडियो का बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। अगर उधर उसके पीछे जो बैकग्राउंड होता, मैं यहाँ पे वही बैकग्राउंड ऐड करता। तो ये हमारा आ चुका है। अब चलते हैं हम गन बॉडी पे, गन बॉक्स पे सॉरी, गन बॉक्स। गन बॉक्स में हम क्या करेंगे, गन बॉक्स में सिंपल हम इसकी पोजीशन को रिलेटिव कर देंगे। मैं बताता हूँ क्यों करेंगे हम रिलेटिव, इसकी हम एब्सोल्यूट भी तो कर सकते थे, मैं बताऊँगा क्यों। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो विड्थ है वो मैं 45 कर रहा हूँ, हाइट मैं 85 कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं फ़िलहाल के लिए टेम्परेरी रेड दे रहा हूँ जस्ट चेक करने के लिए। तो हमारा बॉक्स बन चुका है। अब इसमें चलते हैं, मैं गन हेड बना लेता हूँ पहले, नो पहले गन बॉडी बना लें। यस, पहले गन बॉडी बनाते हैं। गन बॉडी, गन बॉडी में मुझे बैकग्राउंड इमेज देनी है एक, मैं बैकग्राउंड इमेज का यूज़ कर रहा हूँ। मैं उसके अंदर टैग्स के अंदर इमेज नहीं लगा रहा, मैं बैकग्राउंड इमेज का यूज़ कर रहा हूँ। इमेजेस में मेरी पड़ी है ये गन बॉडी, ये सब एसेट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। बैकग्राउंड साइज मुझे करना है 100%, बैकग्राउंड रिपीट मुझे करना नो रिपीट, मुझे रिपीट नहीं चाहिए। तो अब इसमें कुछ भी नहीं आएगा। इसके वेट तो मैं कर देता हूँ 100%, और मैं 100% क्यों यूज़ कर रहा हूँ वेट, अच्छा मैंने यहाँ पे ये नहीं लगाया, मैं परसेंट्स में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको 45 VW भी तो कर सकता था। तो हम परसेंट्स में मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अगर कल को मुझे इसकी वैल्यू कम ज़्यादा करनी पड़ जाती है, तो मुझे अगर मैं इसको 45 VW मैंने किया होता तो मुझे इसकी वैल्यू भी कम करनी पड़ती।
अब इसका फ़ायदा ये होगा, मैंने इसको बोला कि तुम इसकी 100% विड्थ ले लो, 100% ये विड्थ ले लेगी इसकी, इस बॉक्स की। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ अभी। अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर ग्रीन दूँ, इसकी हाइट मुझे डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, इसकी हाइट मैं कर देता हूँ 50% कर देता हूँ, अगेन परसेंट में। अभी मैं आपको परसेंट में दिखा रहा हूँ। अगर मैं इस बॉक्स की, जो हमारा बॉक्स है, इसकी हाइट विड्थ कम करता हूँ तो इसकी विड्थ भी कम हो रही है। लेकिन अगर मैं इसको 45 वी डब्ल्यू कर दूँ, हाइट इसकी मैं कर दूँ 50%, या हाइट मैं इसकी कर देता हूँ 50 VH, तो अब आप देखें क्या होता है। जैसे मैं इसकी कम करूँगा हाइट वेट, तो ये कम नहीं होगी। कल को अगर मुझे बॉक्स को कम करना पड़ जाता है, कम ज़्यादा छोटा बड़ा करना पड़ जाता है, तो मुझे मैन्युअली आके इनकी भी हाइट वेट सेट करनी पड़ेगी। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, परसेंट्स का यूज़ करता हूँ चाइल्ड बॉक्स में। पेरेंट में हम VW का यूज़ करेंगे। इसको मुझे 60% देना है, 50% तो कम है। इसको मैं 70% कर देता हूँ, 80%, यस मुझे इसको 80% देना है। एंड मुझे इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर देनी है, क्योंकि मुझे इसको नीचे को खींचना है। टॉप से मुझे इसको 2% देना है, मैं अगेन 2% का यूज़ कर रहा हूँ। 3%, 5%, 10%, 20%, 22%, 50%, 50% नो, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19.5, 8, 9, यस 19.9% हमें करना है इसको। नो सॉरी वेट, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी यहाँ पे। यस मुझे इस सारी वैल्यूज़ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और मुझे इसको डबल कोट्स में लिखना चाहिए था यहाँ पर। तो ये बन गया। मैं जल्दी से बैरल और वो भी ले आता हूँ, हेड और ट्रिगर। इसका मैं डिस्प्ले फ़िलहाल नन कर देता हूँ, डिस्प्ले नन, वेट, डिस्प्ले नन। और यस मैंने यहाँ पर मिस्टेक की थी, इसलिए मेरा एमिट नहीं चल रहा था। मुझे यहाँ पर भी ऐड करना चाहिए था, अब मेरा एमिट चलेगा। इसकी मुझे डिस्प्ले नन नहीं चाहिए। अब मुझे इसकी ये सब कुछ करना है। इसका मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, इसका मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए, आई मीन बैकग्राउंड कलर था। इसकी सब कुछ नहीं करना। हेड मुझे इनको कमेंट आउट कर देना चाहिए। ओह अच्छा, इसको मुझे हेड करना चाहिए, सॉरी। अब मुझे हेड को देखना चाहिए, हेड मेरा कहाँ पे है। अगर मैं इसको डिस्प्ले नन कर दूँ, इसको अपने इस बॉडी को डिस्प्ले नन कर दूँ, इसका मेरा एमिट क्यों नहीं चल रहा, मुझे टाइप करना पड़ रहा है। मैं समझ चुका हूँ। और इसको मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी इमेज नहीं आ रही यहाँ पे। बॉडी नॉट बॉडी, हेड, मुझे यहाँ पे हेड लाना चाहिए था, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसको मुझे कमेंट आउट रखना है, और इसको भी मुझे कमेंट आउट कर देना है, परफेक्ट। बट इसको मुझे क्या करना है, यस मुझे परफेक्ट मिली है। इसकी अगर मैं हाइट को कम कर दूँ, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा ले रही है, जो मेरा हेड है ना, ये हाइट बहुत ज़्यादा ले रहा है। अगर इसको मैं 10 कर दूँ, यस मुझे इसकी हाइट को कम करना पड़ेगा, 5, सॉरी टॉप को नहीं, हाइट को, मैं टॉप को छेड़ रहा हूँ, मुझे हाइट को देखना चाहिए था।
हेड की हाइट को मुझे 60% करना है, 50%, 40%, 30%, 20%, 25%, यस 25% मुझे इसकी हाइट को कर देना है हेड की। अब मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे गन जो हमारा बैरल है उसको देखना है। गन बैरल के लिए मैं दोबारा वैल्यूज क्यों लिख रहा हूँ मुझे नहीं पता। मुझे इसका डिस्प्ले नन कर देना है, डिस्प्ले नन, और मुझे इसको वेट, यस मुझे इसको यहाँ से कट करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसका तो डिस्प्ले नन हो चुका है, और मुझे बॉडी की जगह इसको बैरल करना है। इमेजेस गन बैरल, तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो मिस्टेक है यहाँ पर। अच्छा, इसकी मैंने डिस्प्ले नन की हुई थी, मुझे दिखा ही नहीं। ये भी परफेक्टली आई है, परफेक्ट आ रही है ये। इसकी भी मुझे हाइट को 50 कर देना है, सॉरी मैंने इसकी हाइट को 50 कर दिया, इसकी नहीं, मुझे बैरल की हाइट को 50 नहीं, मुझे इसको 20 करना है, 18, 19, 20 कर देता हूँ मैं इसकी हाइट को, टॉप को नहीं, मुझे इसकी हाइट को 20% करना है। तो ये परफेक्टली यहाँ पे आई है। लास्टली रहा हमारा ट्रिगर, ट्रिगर के लिए मैं क्या करूँगा, सॉरी मुझे इसको हटाना है और इसको भी हटाना है, और यहाँ पे वेट मुझे इसको रिमूव करना है, सॉरी, यस मुझे ट्रिगर यहाँ पर करना है और यहाँ पर मुझे इसकी इमेज को हटाना है। मुझे इसकी इमेज चाहिए ट्रिगर वाली, और इसका डिस्प्ले नन नहीं चाहिए मुझे। यस मुझे दिख चुका है, यस ये भी परफेक्टली आया यहाँ पर। इसकी हाइट को मुझे 20% करना है, मैं इसको क्यों छेड़ता हूँ बार बार, मुझे इस ट्रिगर को देखना है, इस ट्रिगर को 20%, 30%, 40%, यस 35, 36, 38, 39, यस 40%, मुझे इसकी हाइट को 40% कर देना है, और इस परसेंट को हटाना पड़ेगा मुझे। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बैकग्राउंड कलर की मुझे नहीं नीड, मुझे इसकी भी नहीं नीड। एंड लास्टली मुझे इसके बैकग्राउंड कलर और इसके डिस्प्ले नन की भी नहीं नीड। तो हमारी बिल्कुल गन बन चुकी है। अब मुझे इस बॉक्स को खींचना है वहाँ पे। लेफ्ट से मैं करूँगा 50%, ओ मैं बॉडी को क्यों छेड़ रहा हूँ बार बार, बॉक्स को लेफ्ट से 50%। अब रिलेटिव मैंने इसलिए किया था इसके बॉक्स को, क्योंकि अगर मैं इसके बॉक्स को रिलेटिव ना करता पोजीशन, तो अगर मैं इसके बॉक्स को इधर उधर करता तो ये उधर ही रह जाते, मतलब ये इसके रिलेटिव ना आती, ये इस HTML जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसके रिलेटिव चलते हैं। इस अगर मैं इसके लेफ्ट राइट छेड़ता ना, ये इस HTML डॉक्यूमेंट के रिलेटिव होते हैं, लेकिन अभी इस बॉक्स के रिलेटिव हैं, जहाँ बॉक्स जाएगा इसके रिलेटिव ही होंगे। तो मुझे इसको 55% करना चाहिए, नो 50 सही है, 50 क्यों, जब मैं इसको पीछे को खींचूंगा ना इसको उधर, तो इसके लिए पीछे स्पेस चाहिए, तो मैं इसके लेफ्ट को 50% कर रहा हूँ। मुझे इसके बॉक्स के लेफ्ट को 50% करना है, लेफ्ट को 50% करना है, और मुझे इसकी नीड नहीं है। तो हमारी गन बन चुकी है। अब जल्दी से इसमें टारगेट बॉक्स ऐड करते हैं हम लोग। अब मैं अगर इसका ओवरफ्लो हिडन हटा दूं, तो अगर आप लोग देख पाएँ तो ये बिल्कुल ठीक है,
इसको हिडन रहने देते हैं, फ्यूचर में काम आएगा। फ्यूचर में मतलब जब मैं इसमें वीडियो एड करूँगा तब इसमें काम आएगा। तो मैं इसमें एक क्लास डालता हूँ टारगेट, टारगेट ब्लॉक के नाम से। टारगेट ब्लॉक क्या करेगा? हमारे टारगेट को ब्लॉक करेगा। टारगेट ब्लॉक, इसके वेट को मुझे 1 VW करना है, इसकी हाइट को मुझे 100 VH करना है, और इसकी पोजीशन को मुझे रिलेटिव कर देना है HTML डॉक्यूमेंट के रिलेटिव। बैकग्राउंड कलर मैं अभी के लिए येलो दे रहा हूँ। लेफ्ट से मुझे इसको 0% करना है। और इसको मुझे ऊपर लेके आना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था ना कि ये मसला करेगा ये, तो ये मसला कर रहा है, ये नीचे तक गया हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बॉडी किधर है हमारी, यस अब आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ तक गया हुआ है, इसलिए हमें इसको ओवरफ्लो हिडन करना पड़ेगा इसका। अब मुझे इसको लेके आना ऊपर, इसके लिए मैं टॉप का यूज़ करूँगा 50%। टॉप को मुझे 20 पे लेके आना है, सॉरी -20 में, माइनस में लेके आ रहा हूँ ना मैं, -50, -100, सिंपल, नॉट 100, 80, 90, एटी फाइव, यस 86, 84, 85, -85। ओह अच्छा, उसकी जो हमारी हाइट है वो 85 है, तो मुझे इसको -85 में लेके आना है टॉप से, -85%। तो हमारा यहाँ पे आ चुका है। लास्टली मैं इधर फिलहाल सिंपल से टारगेट बॉक्स बना लेता हूँ। टारगेट बाद में मैं इसमें टेक्सचर ऐड कर दूंगा अगर कर पाया। बॉक्स टारगेट बॉक्स को मुझे क्या करना है, इसकी पहले मुझे पोजीशन रिलेटिव करनी है, इसका मुझे टॉप करना है -85, -85%, 84 नहीं 85%। इसके वेट मुझे इसको जो लेफ्ट है लेफ्ट से मुझे इसको 5% पर रखना है। इसके वेट मुझे करनी है, वेट इसकी होनी चाहिए 40%, 40 VW सॉरी, हाइट 50 VH, बैकग्राउंड कलर ब्लू फ़िलहाल के लिए। और ये क्यों नहीं आया? अगर मैं इसको हटा दूं तो मुझे इसका ओवरफ्लो हिडन नहीं करना, पहले मुझे इसको देखना पड़ेगा ये है कहाँ पर। तो ये बहुत नीचे है। ओह अच्छा, इसका मुझे 85 इनफ नहीं है, इसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। ये कितना ऊपर आ रहा है? अच्छा, इसको मुझे इसका डबल करना पड़ेगा, डबल नहीं 100, 100 भी नहीं इनफ, 150 भी इनफ नहीं, 100, 200, 150, 160, 180, 170, यस 170 बिल्कुल परफेक्ट है, 180 सॉरी 175, 175 इसका जो टॉप है, -175। और इसको मुझे हटाना है थोड़ा सा, और इसको मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है इसकी, नहीं बिल्कुल सही है, इतना हमारा टारगेट बॉक्स रहेगा। थोड़ा सा और कम करते हैं, थोड़ा सा इतना, बॉर्डर रेडियस में डाल देता हूँ इसमें बॉर्डर, मुझे रेडियस चाहिए था। और दोबारा से डाल लेते हैं बॉर्डर, रेडियस 0.5 VW, जो कि अगर मैं बढ़ाऊँ, यस मैं इसको 100 कर सकता हूँ, 100%। तो मुझे इसकी जो विड्थ है वो कम करनी पड़ेगी,
जस्ट इसको एक बॉल बनाने के लिए। यस, अब हमें इस सारी जो वैल्यूज़ है इसको कॉपी करना है और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। कहाँ पर? टारगेट बॉक्स में। ओके, और साथ ही मुझे इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। मैं इसलिए क्यों कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस टारगेट बॉक्स के अंदर मैं एक H1 रखने वाला हूँ, टारगेट, और इसका कलर भी मैं वाइट कर दूंगा। टारगेट लास्टली हमें चाहिए होगी एक वीडियो, और वीडियो मैं यहाँ पर लगाऊंगा। वीडियो हमें चाहिए होगी। SRC का क्या है? बुलेट शॉट .MP4। इसको मैं एक क्लास दे रहा हूँ वीडियो, इसको कॉपी कर रहा हूँ। इसको मैं बाद में सेट कर लूँगा, इसको सीक्वेंस कर लूँगा मैं। अभी मैं इसका डिस्प्ले नन कर दूँ। जावास्क्रिप्ट में मैं इसको एक स्पेसिफिक टाइम पे जाके इसका जो काउंटर टाइम है वहाँ पे जाके सपोज कर दूँगा, तो वहाँ पे इसको सेट कर लूँगा। तो हमारा जो बेसिक HTML बन चुका है, यही हमारा बेसिक HTML था। बाकी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी टेक्सचर ऐड करने की वो मैं लास्ट में करूँगा वीडियो के। तो अब नेक्स्ट पार्ट चलते हैं कि ये काम कैसे करेगा, इसके फंक्शनैलिटी इसमें ऐड करेंगे हम लोग। अब चलते हैं हम जावास्क्रिप्ट की तरफ। उससे पहले मैंने आपको ये बताना था मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया, इसका फॉन्ट साइज़, और ये इसको मैंने इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज किया। और ये मैंने नोट ही नहीं किया था, ये जो हमारा है ना, जो हमारा बैरल है, ये आगे आ रहा है, ऊपर आ रही है इस हेड के, और इसमें मैंने कर्सर पॉइंटर डाल दिया था इन सब के। तो मुझे इसके जी इंडेक्स को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मुझे इसका जी इंडेक्स कहाँ डालना है? हेड में डालना है इसका जी इंडेक्स। हेड का जी इंडेक्स मैं 5 कर देता हूँ। तो अब मेरा हमारा ये ऊपर आ चुका है। अब मैं जल्दी से स्क्रिप्ट में चलता हूँ। यहाँ पर मैंने साइन किया हुआ है सारा, सॉरी मैं एडिटर भी हूँ ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा एडिटिंग का भी मेरे दिमाग में चलता है। साइन ही मैंने इसको सीक्वेंस में लाया हुआ। अब मैं जल्दी साउंड्स वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। शॉर्ट साउंड इक्वल है न्यू। मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर रहा, HTML में नहीं इंपोर्ट कर रहा मैं। शॉर्ट साउंड .MP3। रीलोड। अब हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स में हमारे पास बेसिक एलिमेंट्स हैं और वीडियो है। वीडियो मैं जल्दी से कर लेता हूँ सेलेक्ट। माय शूट नो बुलेट शूट इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं IDs का यूज़ करके सारे एलिमेंट्स सेलेक्ट कर लूँ क्वेरी सेलेक्ट, या फिर मैं क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ कर लूँ। तो मेरे ख्याल में मुझे IDs का यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए। गेट एलिमेंट बाय ID, इसकी ID मैंने पहले लगा के रखी थी। इन सब में मैं ID दे देता हूँ। बाकी मैं आपको एक एलिमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखाऊंगा, बाकी मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में करूँगा। मैं पहले बॉडी गन बॉडी सेलेक्ट कर रहा हूँ। बॉडी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID बॉडी। अब मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में करूँगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हम इवेंट लिस्नर लगाते हैं किस पे? हेड पे, गन हेड पे। क्लिक का फंक्शन प्ले करेंगे हम लोग, रन करेंगे, सॉरी प्ले नहीं करेंगे, लॉक करेंगे हम लोग, कुछ भी लॉक कर देते हैं, 404 लॉक कर देते हैं।
वर्क कर चुका है। अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, बल्कि रिमूव भी कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करवाना है एक्स एक्सिस में। तो मैं लिखता हूँ गन हेड डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म, स्टाइल करना है इसका ट्रांसफॉर्म हमने, ट्रांसलेट एक्स। हमें कितना चाहिए हमें ये देखना पड़ेगा। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट कितना चाहिए हमें। अगर मैं इसको ट्रांसलेट एक्स में चाहिए ना, मैं इसकी वैल्यू मैं दोबारा देता हूँ, मैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स में चाहिए, कितना चाहिए 5W। यस 11W, 11W चाहिए हमें जब कि उस पर क्लिक करें। तो 11W हो चुका है, लेकिन साथ ही हमें इसमें एक ट्रांजिशन भी डालनी है, डॉट ट्रांजिशन डॉट डालना था, स्टाइल डॉट ट्रांजिशन इक्वल्स लीनियर 2 सेकंड्स। अभी हम चेक करते हैं कि हमारी ट्रांजिशन वर्क की भी है या नहीं। तो ये वर्क कर गई है, तो हमें इसको 0.5 कर देना है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा है। 0.3, आई थिंक 0.3 सही है बिल्कुल। अभी पीछे तो चला गया, अब हम चाहते हैं ये वापस भी आए, जब मैं दोबारा क्लिक करूँ, दोबारा ना क्लिक करूँ, जैसे मैं क्लिक करूँ पीछे जाए फिर वापस आए। तो उसके लिए सेम है बिल्कुल, सेट टाइम आउट लगाऊँगा मैं 3 सेकंड्स के बाद, 300 के बाद, 5 के बाद, सॉरी हाफ सेकंड के बाद हमारा ये सिंपल 0 हो जाए। इसको मुझे 3 सेकंड करना चाहिए, 3 मिली सेकंड, 300 मिली सेकंड, सॉरी। इसको 4 कर देता हूँ मैं, 354 कर देता हूँ, क्योंकि स्मूथ नहीं हमें लग रहा। ठीक, इतना तो सही हो गया। अब चलते हैं हम आगे, साउंड्स में लास्ट में ऐड करूँगा इनमें। यहाँ पे मुझे लगाना चाहिए था गन हेड, गन हेड। अब यहाँ पे हमारा चल रहा है गन बॉडी। जब कोई क्लिक करे इस पे तो हमारा फंक्शन चले लॉग 404, ये हमारी गन बॉडी है। हमारा कंसोल किधर है, एलिमेंट सीधा थे हमारे, ये 404 चल चुका है, ये चल चुका है 404। अब जस्ट मुझे क्या करना है, इसमें एक वीडियो सेक्शन बनाना है, वो मैं बाद में बनाऊंगा, वीडियो लॉजिक वो मैं लास्ट में ऐड करूंगा लॉजिक। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे इसका जो हमारी गन बॉडी है उसको चेक करना है, गन बॉडी लॉजिक। अब हमने इसमें रहना है, जैसे भी क्लिक करें तो क्या हो, जो हमारी गन बॉडी है डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसफॉर्म इक्वल रोटेट करे कितना डिग्री, 5 डिग्री करके देखते हैं हम लोग। डोंट वरी, मैं सबको रोटेट करवाऊंगा, जस्ट मैं अभी चेक कर रहा हूँ इसको, नहीं सॉरी मुझे रोटेट करना, मैं डायरेक्टली इस बॉक्स को टारगेट करता हूँ, गन बॉक्स को रोटेट करता हूँ, क्योंकि हमें कोड कम से कम लिखना चाहिए,
लाइन ऑफ कोड्स कम से कम हो तो अच्छा रहता है। लेट गन बॉक्स इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हमें गन बॉक्स को रोटेट करवाना है एंड वेट एरर क्या आ रहा है मुझे देखना पड़ेगा गन बॉक्स हमारा सेलेक्ट भी हुआ या नहीं। तो ये एरर दे रहा है क्यों क्यों एरर दे रहा है। ओके क्या इशू है यहाँ पे मुझे आईडी डालनी पड़ेगी बॉक्स के नाम से मैंने देखा ही नहीं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हमारा पूरा कोड ख़राब कर देती हैं। तो अब ये रोटेट हो गया मुझे इसको 5 डिग्री नहीं मुझे इसको 8 डिग्री करना है। अब मैं चाहता हूँ जैसे ये रोटेट हो एनिमेशन के साथ हो एक ना एनिमेशन के साथ ना हो वापस भी आए कुछ ही सेकंड्स में वापस भी आ जाइए। सेट टाइम आउट लगाऊंगा मैं फंक्शन चाहिए मुझे पूरा सेट टाइम आउट का एरो फंक्शन चाहिए। कितने सेकंड्स के बाद इसके बाद ये ज़ीरो पे आ जाए तो हमारे बेसिक बॉक्स बन चुके हैं। साथ में मुझे क्या करना है साथ में मुझे पूरा कोड भी कॉपी करना है मैं बताता हूँ क्यों। गन हेड लॉजिक इसको मुझे 11 तक नहीं लेके जाना है इसको मुझे जस्ट 7 तक लेके जाना है बस। और इसको मुझे 1 सेकंड में करना है और इसको मुझे 100 मिलीसेकंड्स पे वापस लेके आना है। और अगर मैं यहाँ से एनिमेशन हटा देता हूँ तो फिर क्या होता है यस यहाँ पे मुझे डिले डालना पड़ेगा यहाँ पे मुझे डिले डालना पड़ेगा 3 का डालना पड़ेगा यहाँ पर भी मुझे 3 का डिले डालना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे एनिमेशन ट्रांजिशन सॉरी नहीं चाहिए। एंड लास्टली हमारा लॉजिक रहता है ये ट्रिगर का इसमें गन ट्रिगर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा इसका लेफ्ट और टॉप वगैरह मुझे इसको रोटेट करवाना पड़ेगा। गन ट्रिगर किधर है मेरा इसमें अगर मैं टॉप को कुछ भी नहीं करता इसमें अगर मैं करता हूँ लेफ्ट को कितना करता हूँ 1% 2% 3% 1% सॉरी लेफ्ट 1% 1.5 आई थिंक सही है 1.5 या 2 कर दें नो 1.8757 यस 1.5 सही है इसका। इसका मुझे जस्ट इसी को कॉपी पेस्ट करना है 3 सेकंड्स के बाद लेफ्ट मुझे चाहिए इसका वन पॉइंट फाइव परसेंट किसका गन ट्रिगर का और ये गन ट्रिगर कुछ सेकंड्स के बाद कहाँ वापस आ जाए गन ट्रिगर वापस 0 पे आ जाए लेफ्ट इसका 0 हो जाए 0% हो जाए इसका लेफ्ट। अब देखते हैं अच्छा इंस्पेक्ट मेरा ऑन है मुझे इसको ऑफ करना पड़ेगा। तो ये भी वर्क कर रहा है आप लोग ज़रा फोकस से देखें ये ट्रिगर भी वर्क कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि वीडियो में लास्ट में ऐड करूँगा और साउंड्स भी मैं लास्ट में ऐड करूँगा। अब मैं चाहता हूँ जब कोई इस शूट करे ना शूट तो ये हमारी बॉल में फिज़िक्स से ऐड हो। तो मैं इस बॉल को सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले हम इधर एडवांस लिख देते हैं एडवांस एलिमेंट्स
एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लिख देते हैं, एडवांस तो नहीं है ये। लेट मुझे उनको आईडी देनी पड़ेगी। लेट मुझे क्या करना है, जो मेरा टारगेट टारगेट बॉक्स है इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, टारगेट की मुझे उसे आईडी देनी है। यस, इसको मुझे आईडी देनी है टारगेट की। अब मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक कमेंट ऐड करना है, टारगेट टार गेट बॉक्स। यहाँ पे मैंने आर ऐड किया, यस किया मैंने आर ऐड। ट्रांसलेट करना है मुझे, ट्रांसलेट ट्रांसलेट एक्स करना है, या मैं इसको लेफ्ट कर सकता हूँ। बजाय इसके मैं इसको ट्रांसलेट करूँ, इसको मैं लेफ़्ट कर देता हूँ क्योंकि ये एब्सोल्यूट पोजीशन पे है। इसको मैं लेफ़्ट कर देता हूँ 1 width W। तो ये हमारा सिंपल सा बन चुका है। अब मैं इसको नीचे फेंकूँगा। अब मैं लॉजिक लगाता हूँ डाउन मूव का। डाउन मूव में मुझे क्या करना है, जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करना है और इसको मुझे टॉप को, अभी इसका आई थिंक टॉप कितना है, माइनस समथिंग है इसका टॉप। किधर है मेरा बॉक्स, यस -175। मुझे अब माइनस सिर्फ 75 कर देना है, -75। और इसको मुझे सेट टाइम आउट में डालना पड़ेगा, और इसको मुझे 5 seconds के बाद, 5 milliseconds के बाद, नो हाफ सेकंड के बाद, मैं भूल गया मैंने बोलना क्या था, मुझे इसको ऊपर लेके जाना है। इसको भी मुझे 5 करना चाहिए। ये क्या, ये इधर तक ही गया बस। अच्छा, मुझे इसको दोबारा से देखना पड़ेगा, दोबारा से कितना नीचे जाएगा। अगर मैं इसको 100 कर दूं, 75 कर दूं, -75, अच्छा 75% करना था मुझे, ना कि VH। तो यहाँ पे लैग कर रही है मेरी गेम थोड़ी सी, पता नहीं क्यों। अच्छा, मैं इसको 3 कर देता हूँ। यस, यहाँ पे मेरी गेम स्मूथ नहीं है, मुझे इसको ईज करना चाहिए। मैं इसको ऑल कर देता हूँ। यस, अब मेरी गेम स्मूथ चल रही है। इसको भी मैं ऑल कर देता हूँ। उसके बाद मैं, मुझे क्या करना चाहिए, इसी में मुझे एक और सेट टाइम आउट डालना है 100 milliseconds के बाद ये फंक्शन चले, क्या हो, जो हमारा लेफ्ट है, हमारा लेफ्ट हो जाए कितना परसेंट, मैंने VW में दी हुई है ना, 3 VW हो जाए। और इसके लिए मुझे कितनी एनिमेशन लगेगी, इसके लिए मुझे 4 seconds की एनिमेशन लगेगी। तो आप लोगों ने देखा कि ये इधर को होके गिरा है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट मुझे करना ये है कि ये वापस से इस जगह पे रिपीट होके आ जाए। अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ रिपीट लॉजिक, इसी का ये लॉजिक है, रिपीट लॉजिक। मैं क्या करूँगा, सेट टाइम आउट में क्या करूँगा, सेट टाइम आउट मुझे डालना है कितने सेकंड्स के बाद, 1 second के बाद।
माइनस हमारी 250 हो जाए परसेंट इसकी टॉप ट्रांजिशन मुझे नहीं चाहिए। उसके हाफ सेकंड के बाद हमें ट्रांजिशन चाहिए नहीं चाहिए, टॉप हमारी जो हो जाए टॉप माइनस 170% हो जाए हमारी, और ये हमें चाहिए 0.8 सेकंड्स में। अच्छा इस सेट टाइम आउट की मुझे नहीं ज़रूरत। अब देखते हैं। अच्छा मुझे यहाँ पे एनिमेशन लगानी है लेकिन इसको 0 सेकंड्स करना है, मैं चाहता हूँ ये एनिमेशन चले ही ना, बट यहाँ क्यों नहीं चल रही। अच्छा मैंने सेकंड किया हुआ, 8 सेकंड मुझे करना चाहिए था। तब ये रिपीट हो रही है और मैं चाहता हूँ यहाँ पर जब मेरी लेफ्ट में जाए तो ये 3-2 हो जाए, ये बहुत फास्ट जाए। और मैं इसको ओपेरा ब्राउज़र पे चला के देखता हूँ, यहाँ पर तो मुझे लगता मसला कर रहा है मेरा ओपेरा। जस्ट मुझे इसकी आईडी चाहिए, सॉरी ये एड्रेस, इसका आईडी नहीं चाहिए मुझे, इसकी एड्रेस चाहिए बस मुझे इसका। यहाँ तो उससे भी बड़े मसले कर रही है। यहाँ पे मुझे कौन मसला नज़र आ रहा है, यहाँ पे मुझे एनिमेशन को 0 करना चाहिए था, इसमें इसमें तो एनिमेशन ही नहीं है, फिर एनिमेशन क्यों आ रही है। ज़ीरो सेकंड्स किस में, गन हेड में। अब देखते हैं यहाँ पर, यस यहाँ पर स्मूथ चल रही है, पता नहीं वहाँ पर क्यों स्मूथ चल रही थी, मेरे ब्राउज़र्स को आजकल मसला बना हुआ है। अब चलते हैं हम लोग साउंड्स ऐड कर देते हैं पहले इन सब में। साउंड्स का बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे मुझे इवेंट लिसनर में, बल्कि मैंने यहाँ पे लगाई भी हुई है साउंड, और यहाँ पर मुझे शूट साउंड लगानी है, यहाँ पर साउंड शूट साउंड डॉट प्ले। अब चेक करते हैं, ये प्ले नहीं हुई, वेट मुझे चेक करना चाहिए क्यों नहीं प्ले हुई। मिसेस मेरा पाथ, यस मुझे ये साउंड्स वाले फोल्डर से ला रहा हूँ ना मैं, तो मुझे यहाँ पे साउंड्स भी ऐड करना चाहिए। मैंने डायरेक्टली ये साउंड्स ऐड कर दिए हैं लेकिन इसका पाथ राइट नहीं था ये, क्योंकि ये मेरे HTML जो फोल्डर है वहाँ से नहीं आ रही है, मेरे साउंड फोल्डर से आ रही है। HTML के अंदर साउंड फोल्डर है, उसके अंदर ये साउंड्स पड़ी हुई हैं। अब चेक करते हैं, वेट ये तो चल रही है, मुझे इसकी आवाज़ थोड़ी कम करनी चाहिए। तो ये भी वर्क कर रही है, मुझे इसमें और कम डालना चाहिए डिले, किधर गया, इसमें 0.2 सेकंड्स का मुझे डालना है डिले, और इसको मुझे 3 में रन करना है बिल्कुल ऐसे, और इसको मुझे 8 सेकंड से हटा के, किधर गया ये 8 सेकंड वाला, इसको मुझे 4 सेकंड्स पे कर देना है। अब ऐड करते हैं हम लोग वीडियो। वीडियो के लिए सबसे पहले मैं इसके डिस्प्ले नन को कमेंट आउट कर देता हूँ, जस्ट हम वीडियो डॉट प्ले कर देंगे, बुलेट डॉट प्ले, बुलेट शूट डॉट प्ले। कुछ तो मसला बना है, मुझे लगता है यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन से हटाना पड़ेगा।
लेट्स सी क्या मसला बना है। HTML डॉक्यूमेंट में मेरी म्यूट ऑटो प्ले लूप में है वीडियो, देखते हैं क्या मसला बना है। और शिट, ये तो सारा ही ख़राब हो गया। ये हमारी वीडियो है, वीडियो को मैं ऊपर लेकर जाता हूँ, इधर से इसकी पोजीशन मैं रिलेटिव कर देता हूँ। वीडियो नहीं है, इसकी पोजीशन मैं रिलेटिव कर देता हूँ। पोजीशन रिलेटिव, टॉप से मैं लेकर जाता हूँ -200%। लेट्स सी कहाँ गई, पता नहीं कहाँ गई। मैनुअली लेकर जाते हैं इसको टॉप से। मैं दोबारा से टॉप डिफाइन करता हूँ, 0%। यहाँ पे मैं मैनुअली ऊपर लेकर जाता हूँ, ये रही। लेफ्ट मुझे 0% देना चाहिए, माइनस में प्लस में पॉजिटिव में लेके जाना है मुझे इसको। बस यहाँ पे सेट करना है मुझे। आई थिंक यहाँ तक ठीक है, ये वैल्यूज़ बिल्कुल परफेक्ट हैं। मुझे जस्ट इन वैल्यूज़ को उठाना है और अपने स्टाइल शीट में जाके ऐड कर देना है बस। और मुझे उन वैल्यूज़ को सही करना है बस, मैं थोड़ा सा ही काम है बस, उसके बाद हमारी वीडियो एंड हो जाएगी। मुझे इसको लूप से हटाना पड़ेगा, अभी लूप में रहने देते हैं। इसमें मैंने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, इसकी वैल्यूज़ चेंज किए हैं मैंने, और इस टारगेट बॉक्स की, क्योंकि वीडियो ऐड करने से इसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, नीचे चला गया था। मैंने मिस्टेक ये की कि मुझे पहले वीडियो ऐड करनी चाहिए थी, ना कि ये। तो जस्ट मैं अब इसमें क्या करूँगा, ये वैसे रेडी है बिल्कुल। और ये जो रोटेट वाला, ये मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने ट्राई किया था इसका, पता नहीं क्या मसला है। अभी मेरे पास टाइम कम है इसको चेक करने का, ये आप लोगों को मैं कोड दे दूंगा, ये आप लोग खुद चेक करें, इसको रोटेट करवाएं कि रोटेट भी करे, ये जो हमारा टारगेट है। और साथ ही मैं टेक्सचर ऐड कर दूंगा, मैंने यहाँ पे पहले ऐड किया था, चेक किया था पहले, जस्ट मैं इसी को ऐड कर रहा हूँ। मैंने इसमें क्या किया, बैकग्राउंड इमेज लगाई है, URL, ये वाली इमेज, ये वाली 100% सेंटर, नो रिपीट, जेड इंडेक्स इसकी मैंने 1% कर दिया, इसकी मुझे वैसे ज़रूरत नहीं है। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब मुझे एक किसी सीक्वेंस में लगाना है, मुझे इसको ऐसे नहीं लगाना। अब मैं चाहता हूँ जब कोई शूट करे तो क्या हो, टेक्सचर लॉजिक, जो हमारा टारगेट बॉक्स है ना, टारगेट बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इमेज, एक बैकग्राउंड इमेज होती है, इक्वल URL सिंगल कोट्स, इमेजेस, और ये टारगेट बॉक्स। जब कोई क्लिक करे तब ये इमेज आए, जब कोई शूट करे तो ये बहुत जल्दी हुआ। तो ये हुआ, इसमें हम कलर्स के साथ भी खेल सकते हैं कि हमारा कलर पहले ग्रीन है, जब उस पर हिट करे तो येलो हो जाए, और जब नीचे आए तो हमारा कलर रेड हो जाए। मैं पहले इसका लॉजिक लिख लेता हूँ, मैं वो वाला लॉजिक भी लिख दूँगा। और साथ ही हमारा जो टारगेट बॉक्स है, टारगेट बॉक्स डॉट इनर HTML इक्वल ब्लैंक हो जाए। सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट पूरे 1 सेकंड के बाद ये सब रिपीट हो जाए, 1 पूरे मिनट बाद यहाँ पर दोबारा से टारगेट लिखा जाए, टारगेट और यहाँ पर हमारी ब्लैंक इमेज हो जाए, URL खाली कर देंगे। तो फ़ॉन्ट साइज मसला बना रहा है, ये आप लोग चेक कर लें इसका फ़ॉन्ट साइज़ कैसे बढ़ाना है, वो भी इधर ही लॉजिक है। मैं अभी इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक और लॉजिक लिख रहा हूँ।
बैकग्राउंड कलर इक्वल येलो, इक्वल टू येलो हो जाए। ये कहाँ पर हो, यह जैसी कोई हिट करे तब हो। साथ ही सेट टाइम आउट, कितने सेकंड्स के बाद वो मैं डिसाइड करता हूँ बाद में। रेड हो जाए इसका, ये सब मैं डिसाइड करता हूँ सेट टाइम आउट का। ये तो पूरे एक सेकंड के बाद ग्रीन होगा ना, उसका मुझे देखना ऊपर कितने सेकंड के बाद ये चेंज हो। यहाँ पर मेरा डाउन मूव है ना, लेफ्ट मूव 0.3 सेकंड्स। ओके, ये 300 मिली सेकंड्स के बाद होगा। ये मुझे ज़्यादा अच्छी एनिमेशन लग रही है। अब फाइनल टेस्ट करते हैं, हमारा कोड तो रेडी है बिल्कुल, अब हम फाइनल टेस्ट करते हैं। ये भी वर्क कर रहा है। अब शूट करते हैं, ट्रिगर को देखते हैं, तो ट्रिगर भी वर्क कर रहा है हमारा। अब हम टारगेट बॉक्स को देखते हैं, ये बॉक्स नहीं है, ये टारगेट सर्कल है। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पे एक स्कोर सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं कि स्कोर कितने है, फिर अच्छा लगेगा स्कोर ऐड करके। हाई स्कोर को लोकल स्टोरेज में सेव करवा दें और स्कोर को यहाँ डिस्प्ले कर दें। बाकी ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एक गेम बनाई थी, गन गेम। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं फ्यूचर में ऐसी और बहुत सारी गेम्स बनाने वाला हूँ।